Good morning, children. Welcome to your GK class. Today, children, we will continue what we were doing in our previous class. In previous class, we came to know that Noe जो है वो रॉन के फार्म में आ चुका है एंड वहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है और वो चीज़ों को उन्होंने हमें क्लूज दिया है और उस क्लूज से हमें ये जो क्रॉसवर्ड है इसे कंप्लीट करना है. ओके, सो हमने लास्ट में देखा था घर के अक्रॉस हमने पढ़ लिया था. ओके, नाउ लेट अस रीड दी डाउन सेक्शन. ओके, सो हम क्या करेंगे, अब डाउन सेक्शन रीड करेंगे. नाउ लुक हियर डाउन, दीज एनिमल गिव्स अस एग्स. ओके, सो रीड इट अगेन. दीज एनिमल गिव्स अस एग्स, यानी ये ऐसा एनिमल है जो हमें एग्स देता है. नाउ लेट अस रीड, हम पहले रीड करेंगे फिर आंसर सोचेंगे कि कौन सा आंसर है. नाउ दिस इज मेड टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम द फीट. नाउ रीड द होल सेंटेंस अगेन नाइसली. दिस इज मेड टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम द फील्ड. ओके, नाउ दीज एनिमल्स गिव us wool which we use to make sweaters. Now read it again. These animal gives us wool which we use to make sweaters. Now this vehicle, ye jo first question number point number 6, these animal gives us wool which we use to make sweaters, yani ye jo aisa animal hai jo hame wool deta hai aur हम उस वुल से क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं. तो आपको पता है ये कौन सा एनिमल है? ओके, यू आर वेरी स्मार्ट, मुझे पता है आपको पता है. नाउ लेट अस रीड पॉइंट नंबर 7. दिस व्हीकल इज यूज्ड बाय फार्मर, यानी ये ऐसा व्हीकल है जो फार्मर यूज करते हैं नॉर्मली. ओके, सो नाउ लेट अस रीड द पॉइंट नंबर 8. दिस इज द नेम फॉर अ बेबी काउ, यानी ये जो नाम है ये क्या है, एक बेबी काउ का नाम है. ओके, तो यानी काउ के बेबी को हम क्या कहते हैं, वो हम लिखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द पजल. ओके, नाउ द फर्स्ट पजल, लुक हियर. दिस इज अ प्लेस वेयर द फार्मर लिव्स, यानी ऐसा प्लेस है जहाँ पर एक फार्मर रहता है. यानी फार्मर कहाँ रहेगा, फार्म हाउस में. यस और नो, फार्मर कहाँ रहेगा, फार्म हाउस में. सो दिस इज फार्मर कहाँ रहेगा, फार्म हाउस में. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार्म हाउस लिखेंगे. सो लुक हियर, आई एम राइटिंग हियर. So, how will you spell farmhouse? FARMHOUSE. Farmhouse. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, A लिखेंगे. Let me write it clearly. A. R. M. H. O. U. S. So write down children, this is the farmhouse. फटाफट लिख लो आप. So where does farmer lives? Farmer lives in the farmhouse. Okay. Now children, we will write it again here. I'm writing it again. और आप भी इसे लिखेंगे. Okay. Now children, let us read the next point in across. This is a place where farmer takes out
वेल फॉर द क्रॉप्स। अब देखिए आप अक्रॉस में सेकेंड, तो आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड, ओके सो दिस इज द सेकेंड। तो ऐसी प्लेस जो डब्ल्यू से स्टार्ट होती है और जहाँ से पानी निकलता है, तो ये कौन सा है, ये है वेल, ओके सो दिस इज वेल, तो डब्ल्यू ई एल, ओके सो राइट डाउन चिल्ड्रन इट इज़ अ वेल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दिस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर फार्मर्स टेक आउट वाटर फ्रॉम द क्रॉप्स और आपके क्रॉस वर्ड में डब्ल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा, वेल। सो राइट डाउन चिल्ड्रन इट इज अ वेल। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, दिस इज द नेम फॉर द फॉर अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स को हम क्या कहेंगे चिल्ड्रन, a pack of dogs, okay so write down children it is a pack। तो अक्रॉस में तीन ही पॉइंट्स हैं, हमने कर लिए, मैंने आपको पहले समझा था कि अक्रॉस सीधी सीधी लाइन होती है, ओके आई होप यू हैव रिटन दिस। नाउ लेट अस सॉल्व द क्रॉसवर्ड डाउन वाले, ओके जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, द फर्स्ट वन इज द फोर्थ वन, ओके अब फोर्थ कहाँ पर है, ये रहा फोर्थ, ओके तो अभी हमें क्या गेस करना है, दीज एनिमल गिव्स अस एग्स, यानी ऐसे एनिमल जो हमें एग्स देते हैं, तो हेन होता है आपको पता है, लेकिन यहाँ पे सी है, सी एच आई है, तो यानी ये हेन नहीं है, हेन का दूसरा नाम क्या है, चिकन, तो ये रहा हमने सी ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, चिकन, सो राइट डाउन चिल्ड्रन इट इज अ चिकन। नाउ लेट अस गो टू द डाउन पॉइंट नंबर फाइव, दिस इज मेड टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम द फील्ड, यानी जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, वहाँ पे चिड़िया जो होती है वो ग्रेन्स खा लेती है, तो वो ग्रेन्स को बचाने के लिए फार्मर क्या करता है, उस ग्रेन्स को चिड़िया से बचाने के लिए फार्मर स्केयर क्रो लगाता है, आपको पता है ना, वो ऐसे हाथ फैला के खड़ा रहता है फार्म में, यस उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्केयर क्रो कहते हैं, ओके सो हाउ विल यू राइट स्केयर क्रो, एस सी ए आर ई सी आर ओ डब्ल्यू, इट इज अ स्केयर क्रो, जो आपको खेतों में मिलेगा खड़ा हो खड़ा रहकर, उसे फार्मर बनाता है जाके वो सारे बर्ड्स को डरा सके, ओके सो दिस इज अ स्केयर क्रो, चिल्ड्रन राइट डाउन स्केयर क्रो। नाउ लेट अस रीड पॉइंट नंबर सिक्स, दीज एनिमल गिव्स अस वुल विच वी यूज टू मेक स्वेटर, यानी ऐसे एनिमल्स जो हमें वुल देते हैं और जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, आपने पहले ही पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल फार्म एनिमल्स में कि जो शीप है वो हमें वुल देता है, वुल से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, और स्वेटर हम कब पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं, और क्यों पहनते हैं, जाके हम हमारी बॉडी वार्म कर सके, तो ये रहा पॉइंट नंबर सिक्स, और ये रहा सिक्स, और हमने लिख दिया एस एच डबल ई पी, ये हो गया शीप, ओके नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन इज दिस व्हीकल इज यूज्ड बाय द फार्मर, यानी ऐसा व्हीकल जो एक फार्मर यूज करता है, तो टी से ऐसा कौन सा व्हीकल है, देखिए पॉइंट नंबर सेवन में टी है, तो टी से ऐसा कौन सा व्हीकल है जो फार्मर यूज करता है, इट इज अ ट्रैक्टर, ओके सो टी आर ए सी टी ओ आर, इट इज अ ट्रैक्टर, सो राइट डाउन चिल्ड्रन इट इज अ ट्रैक्टर। नाउ लेट अस रीड द पॉइंट नंबर एट, दिस इज द नेम फॉर बेबी कॉ, यानी
काउ का जो यंग वंस है, जो हमने पढ़ा था यंग वंस, तो काउ के यंग वन को हम क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, सी सी से काफ। तो फिर राइट हियर ए एंड दिस बिकम्स काफ। ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन। Sorry, I just erased this, but you can, I'll write it again and just pause your video and you can write it. I didn't, sorry, I just, the first one is farmhouse, so A R M H O U S E, farmhouse. Then the next one is the place where farmer take out water, it is the well. Write down well. Then the name of group of dogs, that is pack. Then the animal which gives us eggs, that is chicken. Then we have scarecrow. Then the next one is wool, that is sheep. Then we have tractor, the vehicle used by farmer. Okay, then the young one of cow. So write down children this. If you want, you can pause here and you can complete your work. Okay, this is page number 28 on the farm. Now children, let us go to page number 29, the national leaders of India. Okay, so first we will read those two lines which are written above the pictures. Okay, chapter name is National Leaders of India and the page number is 29. Okay, now let us read. These are some of our famous national leaders. So read the whole sentence together. These are some of our famous national leaders. Help Novi to name them. Help Novi to name them. Write the correct answer options in the box next to each picture. Now read it together. Write the correct answer options in the box next to each picture. Now read the whole three sentences together. These are some of our famous national leaders. Help Novi to name them. Write the correct answer options in the box next to each picture. यानी आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, आपको क्या करना है? आपको 8 pictures दिए गए हैं national leaders के, ठीक है? ये famous national leaders हैं और आपको क्या करना है बच्चा? आपको नीचे comment box भी दिया गया, आपको नीचे clue box भी दिया गया. See, look here. ये box है, इनमें सबके नाम है. आपको करेक्ट गेस करके ऊपर लिखना है. ओके, वेट. ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको पिक्चर और वो नाम जो है, जैसा हमने पहले किया था उसी तरह से हमें इसे करेक्ट करना है. ओके, सो आपको फेमस नेशनल लीडर्स दिए गए हैं एंड देन नीचे बॉक्स में आपको क्या दिया गया है? उनके नाम दिए गए. तो आपको करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स हैं उनके बगल, जैसे ये देखो ए फॉर जवाहरलाल नेहरू, तो आपको वो लिखना है. ओके, एम आई क्लियर? ऐसा हमने पहले भी किया था. सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ चाचा नेहरू. यस, ही इज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? यस, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है.
और ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इनके बर्थडे के वक्त हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ओके, सो ये कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू है, तो आप यहाँ पर ए लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो ही इज़ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं, और इनके बर्थडे पे हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बच्चों से बहुत प्यार था। ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन। Then we have Subhash Chandra Bose. ये जो second photo है ये किसकी है? Subhash Chandra Bose। कहाँ लिखा Subhash Chandra Bose? ये रहा। ओके, तो ये है Subhash Chandra Bose जिन्होंने नारा दिया था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, सो ये भी एक नेशनल लीडर है। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, ही इज Subhash Chandra Bose। देन वी हैव The next picture is of Sardar Patel। Okay, तो ये picture किसकी है? Sardar Patel। कहाँ लिखा है Sardar Patel? ये रहा। Okay, तो Sardar Patel ये है हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर है, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Okay, so he is Sardar Patel। Then the next photograph is of बाल गंगाधर तिलक। ये भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है। कहाँ है बाल गंगाधर तिलक? ये रहा। ओके, सो ही इज बाल गंगाधर तिलक। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर। द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कहाँ लिखा है अम्बेडकर? ये रहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो वील राइट हियर जी, ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, द नेक्स्ट पिक्चर यू ऑल नो, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। ही इज महात्मा गांधी। ओके, तो कहाँ लिखा है महात्मा गांधी? ये रहा। सो यू विल राइट हियर एफ। ओके, द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ एनी बेसेंट। सो हियर यू विल राइट इट सी, एनी बेसेंट। ये रहा। ओके, एंड द नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज खान अब्दुल गफर खान, जो यहाँ पर डी। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, अब आपने लिख दिया, आप सबके नाम बोलेंगे। ये हैं जवाहरलाल नेहरू, देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस, फिर सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन वी हैव बाल गंगाधर तिलक, देन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट एंड खान अब्दुल गफर खान। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, ए ई एच बी then G F C D। I hope you have written this. I'm going to erase this now. Now children, let us read the tidbits, okay? Indians were ruled by the British from 1757 until 1947. Now read it together. Indians were ruled by the British from 1757 until 1947. Okay,
Now we'll read another sentence. In 1885, Indians who were keen to have their own government form a political party called the Indian National Congress. Okay, so read it again. In 1885, the Indians who were keen to have their own government formed a political party called the Indian National Congress. Now, by 1920, a large number of people joined the movement started by Mahatma Gandhi and other Indian leaders to resist the British rulers. Now, we'll read it again. By 1920, a large number of people joined the movement started by Mahatma Gandhi and other Indian national leaders to resist the British rulers. India became independent in 1947. We'll read it again. India became independent in 1947. Now, children, look here. अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट वी विल रीड द होल पैरा टुगेदर एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दिस पैराग्राफ. इंडियंस वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम 1757 अंटिल 1947. इन 1885 इंडियंस हु वर कीन टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट फॉर्मड अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. बाय 1920 अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉइंड द मूवमेंट्स started by Mahatma Gandhi and other Indian leaders to resist the British rulers. India became independent in 1947. Now what does this means? कि इंडिया जो था वो पहले इस पर कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स रूल करते थे. तो ब्रिटिशर्स जैसे हमें बोलते थे हम वैसे करते थे. हमारी गवर्नमेंट नहीं थी. हम जो ब्रिटिशर्स कहते थे वही हम सुनते थे, वही हम करते थे. तो जो इंडियंस जो थे, जो वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट्स यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे पहले रहते थे, उनको हम अपना राज चाहिए था कि हम राज करिए. हमारा देश है तो हम जो कहेंगे वो होगा, कोई दूसरा नहीं कह के कहेगा हमें कि हमें क्या करना है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी आए और बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारा मेहनत किया उन्होंने जाके ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सके. ओके, फिर इंडिया जो है फ्री हो गया. फिर ब्रिटिशर्स को एक दिन जाना पड़ा. कब जाना पड़ा? 15 अगस्त 1947 को उनको भारत छोड़कर अपने देश जाना पड़ा और इंडिया फ्री हो गया. ओके, इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिया फ्री हो गया. सो ओके, दिस इज द टिडबिट वेयर वी केम टू नो अबाउट इंडियाज फ्रीडम. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज पेज नंबर 29. ओके, आर नेशनल लीडर. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस गो टू पेज नंबर 30. द चैप्टर नेम इज ऑसम एनिमल्स. ओके, विल रीड अगेन द सेंटेंसेस. नाउ हेल्प नोई टू आइडेंटिफाई दिस ऑसम एनिमल्स and write the correct answers from the help box given on the next page. On the next page, that means on page number 31, you can see a help box जहाँ पे सारे animals के नाम दिए गए हैं और उसका hint आपके question में दिया गया है. तो आपको क्या करना है? Again वही है, आपको picture देखना है, उससे related clue पढ़ना है और answer find करना है. Okay? Now let us see the first picture. Now this is a spider. You can see this is a spider. Okay, this is the largest spider. यानी ये सबसे बड़ा spider है. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम tarantula कहेंगे. So इसका नाम क्या है? Tarantula. So write children, tarantula. T-A-R-A-N. Tarantula. राइट डाउन चिल्ड्रन, टैरेंटुला. ये कौन सा? ये सबसे बड़ा स्पाइडर है और इसे हम क्या कहेंगे? टैरेंटुला. सो आई होप यू हैव रिटन दिस. राइट डाउन चिल्ड्रन, TARANTULA, टैरेंटुला. सो अगर टीचर आपसे पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट स्पाइडर, तो आप क्या कहेंगे? टैरेंटुला. आपने यहाँ पे पिक्चर देख लिया है. ओके, सो दिस इज टैरेंटुला.
tarantula. So write down children, tarantula. I hope you have written this. Now let us read the question number 2. This is the world slowest mammal. यानी ये जो picture आप देख रहे हैं, ये world का slowest mammal है. यानी बहुत ही धीमे धीमे काम करता है. ये बहुत ही slow है. Okay? तो ये क्या है world का slowest animal है. तो teacher जब भी आपसे पूछे कि world का slowest animal कौन है, तो ये है. इनका नाम क्या है? इनका नाम है sloth. 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 Write down children, it is the sloth. अगर टीचर आपसे पूछे कि which is the world slowest mammal, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? आप लिखेंगे sloth. Okay? So write down children, it is the sloth. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि which is the largest spider, it is the tarantula. Then which is the largest slowest mammal, तो ये है sloth. Write down children in your notebooks, in your book. I hope you have written this. Now let us read the next question. Okay, so these sharks have a head shaped like hammer. यानी इनका जो head होता है इस तरह से होता है. ये हो गया उनका head. Okay, इनका head ऐसा होता है, hammer जैसा. Okay, which help them to find food in sea. यानी जो shark होता है, अगर आप picture में देखें तो इनका सामने का जो head होता है, teacher आपको बाद में इसका photo भी दिखाएगी. Okay, तो इनका इस तरह से head होता है, तो ये एक hammer की तरह होता है. Okay, they have head shaped like hammer. So these sharks have head shaped like hammers, which help them to find food in the sea. यानी इनका जो hammer head है, यानी hammer के जैसा जो इनका head है, हथौड़े जैसा जो इनका head है, वो कैसे help करता है इनको food find करने में. जैसे हमें खाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम weak पड़ जाएंगे ना. उसी तरह से जब hammer shark को भी खाना नहीं मिलेगा तो वीक पड़ जाएगा, तो उसका हेड जो है उसके बहुत ही काम का है. क्यों? क्योंकि उसका हेड जो है उसको फूड फाइंड करने में हेल्प करता है. सो विच शार्क इज दिस? दिस इज द हैमर हेड शार्क. सो हाउ विल यू राइट हैमर हेड शार्क? राइट इट हियर, एच ए एम एम ई आर, हैमर हेड, एच ई ए डी, हैमर हेड शार्क, एस एच ए आर के. राइट डाउन हियर, इधर आप लिखेंगे हैमर हेड शार्क. राइट डाउन चिल्ड्रेन. राइट डाउन चिल्ड्रेन, हैमर हेड शार्क, एच ए एम एम ई आर, हैमर हेड, एच ई ए डी हेड, एंड शार्क, एस एच ए आर के शार्क, हैमर हेड शार्क. I hope children you have written this. Now let us read the question number 4. Okay, these lizards are best known for changing their body colors to blend in their environment. Again we'll read this. These lizards are best known for changing their body colors to blend in their environment. Yani ye jo lizards hain, ये अपने बॉडी कलर को चेंज कर देती है. यानी अपनी जो ये जो बॉडी है, यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो बॉडी है, इनको ये कलर को चेंज कर सकती है, जाके वो अपने एनवायरनमेंट में छुप सके. ओके, सो ये जो लिजर्ड है, ये अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकती है. तो इस लिजर्ड का नाम क्या है? इट इज़ द कमेलियन. राइट डाउन चिल्ड्रन, कमेलियन. ऐसा लिजर्ड जो कलर चेंज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? कमेलियन कहेंगे. सी एच ए M E L E O N, chameleon. Okay, write down children, it is the
chameleon. 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 This lizard, chameleon जो है अपने body को color को change करती है. Now you can pause here and you can write down chameleon. Okay? And this is all for today. And we will continue this in next class. Okay, children? Thank you, children. Have a nice day.